जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तमाम जातियों के बड़े बड़े नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित करता हूं मैं। आइए मेरे घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप भी अलग होकर एक दफ्तर खोलिए, पार्टी बनाइए, आ जाइए हमारे साथ में, मिलकर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर पार्टी, हर व्यक्ति का हक है वो सूर्य प्रताप सिंह के घर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कार्यालय खोले। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर केशव मौर्य जी को लगता है कि भाजपा के अंदर उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो भी आ जाए और यही कार्यालय खोल ले, यही कर ले प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं तो ये भी ऑफर कर रहा हूं, जो भी लोग किसी भी सरकार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध सरकार जो काम नहीं, जो सता रही है लोगों को, उस पर आवाज उठाना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। मैं तो लड़ ही रहा हूं, मुझे लगता है अकेले अकेले लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी छोटे बड़े दल हैं, जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं, वो सब एक साथ एकजुट हों और आवाज उठाएं। अन्याय के खिलाफ बलात्कार हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उत्पीड़न हो उसके खिलाफ उठाएं। आप जानते हैं NCERB के आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर वन है महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में। अब प्रायोजित करके आप अपने स्वयं को नंबर वन डिक्लेयर करा लें, वो अलग बात है, वो आपके स्वयं के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है, लेकिन जनता तो सब जानती है ना, सब देखते हैं। आज 19 जिलों में बाढ़ क्षेत्र में आप जाके देखिए, सरकार ने ये ट्वीट किया खुद कि करीब 463 गांव मेरून है, अलग थलग पड़े हुए, और उसमें समाधान नहीं बताया उन्होंने, बताया इतने बाढ़ पीड़ित हैं, इतना मेरून है। अरे आपको ये सूचना थोड़ी देनी है, आप तो कल्याणकारी राज्य हैं, आपको समाधान बताइए, कितनी राहत वितरित हुई, कितना पैसा वितरित हुआ, वो बताना है आपको। आपको सूचना नहीं देनी है कि इतने गांव बाढ़ पीड़ित हैं, इतने गांव अलग थलग पड़े मेरून है, ये सूचना नहीं देती है। सूचना देते हैं, कोरोना का काल महामारी का काल है, इस महामारी के काल में लोगों को दया, सहानुभूति और प्रेम की जरूरत है। आप कहते हो हमने 36,000 FIR दर्ज कर दी, किसी ने मास्क नहीं पहना FIR दर्ज कर दी, आप उसमें अपनी शान समझते हो, उसको उपलब्धि मानते हो। कोरोना में उपलब्धि FIR की संख्या नहीं है, कोरोना में उपलब्धि आपकी है कितने टेस्ट कराए, कितने लोगों को इलाज मिला। 2 लाख बेड की बात कर दी है सरकार, 1 मिनट और ले रहा हूं आपकी, 2 लाख बेड हैं कोरोना की, तो लखनऊ में 2,000 क्यों? 75 जिले हैं प्रोपोर्शनेटली, लखनऊ में सब सुविधाएं हैं, PGI है, मेडिकल कॉलेज है, सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो यहाँ 2,000 बेड, 6 घंटे से 8 घंटे तक एम्बुलेंस में मरीज इंतजार करता रहता है, बेड नहीं मिलती है, तो कैसे माने कि आप 2 लाख बेड पूरे प्रदेश में हैं? ऐसे झूठ प्रचार करने से, झूठ बोलने से कोरोना समाप्त नहीं होगा। इस सरकार को FIR प्रदेश मत बनाइए, इस सरकार को, इस राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाइए, इसमें सबका हित हो, सब वर्गों का हित हो, सभी धर्मों का हित हो, यही मेरा अनुरोध है। मैं स्वागत करता हूं संजय सिंह जी का, कि आपकी जो लड़ाई है, हम जैसे तमाम लोग जो समान लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप निकलिए आगे, और ये घर आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आप दफ्तर बनाएं, आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इन्हीं के साथ साथ और भी जितने भी संगठन हैं। मैं कहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।